महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल पुथल के बीच जनता का भरोसा कहीं न कहीं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से उठ चुका है, जिसके चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा सीताबर्डी स्थित वैरायटी चौक पर संताप आंदोलन किया गया। इस समय लोगों ने दस्तखत और सेल्फी देते हुए संताप व्यक्त किया। दरअसल राज्य की राजनीति में चल रही गतिविधियों के बीच जनता त्रस्त हो चुकी है। इन 4.5 सालों में शुरुआती दौर में राष्ट्रपति शासन की नौबत तो 2.5 साल में ही महाविकास आघाड़ी का पतन और फिर अजित पवार का शिंदे भाजपा सरकार से मिलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना, इन गतिविधियों के कारण जनता के बीच काफी संताप निर्माण हो चुका है, जिसके चलते मनसे शहर अध्यक्ष चंदू लाड़े और विशाल बगड़े के नेतृत्व में संताप आंदोलन किया गया। इस समय एक संताप की सेल्फी और संताप की दस्तखत के लिए बैनर लगाए गए, जहां मनसे कार्यकर्ता और गुजर रहे लोगों ने उस सफेद बैनर पर दस्तखत किए और अपना असंतोष जाहिर किया। इस समय शहर अध्यक्ष चंदू लाड़े ने असंतोष व्यक्त करते हुए आगामी चुनावों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की सरकार लाने का प्रतिपादन जनता से किया। ये आंदोलन है अभी आता सध्याची जी राजकीय परिस्थिती आहे ती अशी झालेली आहे की महाराष्ट्रातला प्रत्येक नागरिक हा कन्फ्यूज माइंड स्टेट मध्ये आहे की एक्झॅक्ट काय चालवलेलं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येक नागरिक हा चिडलेल्या अवस्थेत आहे आणि ज्या लोकांना यांनी निवडून दिले होते त्या विचारसरणीला निवडून दिले होते ती विचारसरणी संपलेली आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये कोण काय करतं हे समजत नसल्यामुळे एक संताप व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी एक वेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन उभारलेलं आहे की एक सही संतापाची ज्याच्या मनामध्ये या सरकारविषयी हा जो किचड मासलेला आहे हे जे चालू आहे सध्याची राजकीय परिस्थिती याच्या विरोधात ज्यांच्या मनामध्ये चीड निर्माण झाली आहे त्यांच्यासाठी आम्ही एक आंदोलन घेतो आहे एक सही संतापाची। ज्यांना वाटते की ही परिस्थिती चुकीची आहे त्यांनी येऊन इथे एक सही करावी आणि आपला या आंदोलनात सहभाग द्यावा। NBC News के लिए अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।